डेढ़ घंटे की मुलाकात। जिमें बदल का एक टोटा अज सूरज नाल टांकिया, उधेड़ लत्थी हाँ पर कुछ नहीं बनता ते जापदा। सूरज दे लाल चुगे च बदल किसे होने आए, डेढ़ घंटे की मुलाकात। अज सामने उस चौक विच एक संतरी वांगू खड़ी, ते मेरिया सोचा दा लांघा उस हथ दे के रोक दिता है। जाने खुदा मैं की आख्या सी, ते जाने खुदा तू की सुनिया है। डेढ़ घंटे की मुलाकात। सोचदी हाँ आदिवासी औरत की तरह मैं एक चिलम बालना, ते डेढ़ घंटे का तमाकू एक अग दे विच रख के मैं पी लवा। इस तो पहला कि मेरी सोच घबरावे ते गलत मोड़ परत जावे, इस तो पहला कि बदल नू लांदियां सूरज पाट जावे, इस तो पहला कि मुलाकात का चेता एक नफरत विच बदल जावे। डेढ़ घंटे का धुआं कुछ मैं पी लवा, कुछ पवन पी लवे, इस तो पहला कि इस दा हरफ मेरी जान तेरी जबान ते आवे, इस तो पहला कि मेरी जान तेरा कन इस दे जिक्र नू सुने, ते इस तो पहला कि मर्द औरत जात दी तौहीन बन जावे, ते इस तो पहला कि औरत मर्द जात की हतक का कारण बने, इस तो पहला, इस तो पहला। यूं तो हर साया किसी वजूद की परछाई होती है, वजूद की मोहताज, लेकिन कई साये इस किस्म के भी होते हैं जो इस कायदे से बाहर होते हैं, वजूद से भी आजाद, और यूं कि एक साया मालूम नहीं कहां से और किस वजूद से टूट कर आपके पास आ जाता है और आप उस साये को लेकर दुनिया में घूमते रहते हैं और ढूंढते रहते हैं कि ये जिस वजूद से टूटा था वो किसका है, मुगालतों का क्या है। पड़ जाते हैं आप ये साया गैरों के गले के साथ भी लगाकर देखते हैं, क्या पता ना आपका हो ना होता ना सही, आप फिर उसको अंधेरे से को लेकर वहां से चल पड़ते हैं। मेरे पास भी एक साया था, नाम का क्या होता है, उसका एक नाम भी रख लिया था, राजन। घर में कायदा था कि सोते वक्त कीर्तन सोहेला का पाठ होता था। इसके लिए वालिद का एतकाद था कि जूं जूं इसकी सत्रें पढ़ते जाओ आपके गिर्द एक किला तामीर होता जाता है, और पाठ के पूरा होते ही आप सारी रात एक किले की हिफाजत में होते, फिर सारी रात बाहर से किसी की मजाल नहीं होती थी कि वो इस किले में दाखिल हो सके। आंखें नींद से भरी होती थी, यूं कि नींद के गलबे में या अधूरा भी रह सकता था, तो इसके बारे में उनका कहना था, इसे आखिरी जुमलात तक पूरा अदा करना होता है, अगर कोई भी सतर जुमला रह जाए तो दर्ज फासला रह जाता है, किलाबंदी नहीं हो पाती। बहुत बच्ची थी, फिक्र लाहक हुई कि इस पाठ के बाद मेरे गिर्द किला तामीर हो जाएगा, तब फिर राजन मेरे ख्वाबों में कैसे आएगा, मैं किले के अंदर होंगी वो किले के बाहर होगा। सोचा पाठ जबानी याद है, मैं याद से कुछ सत्रें छोड़ जाया करूंगी, किला पूरी तरह बंद नहीं होगा और इस खुली रह गई दर्ज में से वो फिर अंदर आ जाएगा। लेकिन वालिद ने इस कायदे की सूरत बदल दी, इसके बजाय कि सब अपनी अपनी चारपाई पर बैठकर अपना अपना पाठ करें, उन्होंने ये कायदा बना दिया कि मैं अपनी चारपाई पर बैठकर बुलंद आवाज में पाठ करूंगी और बाकी सब उसको सुनेंगे। ये शायद इसलिए कि दूर रिश्ते से एक लड़का और एक छोटी बच्ची हमारे घर में रहते थे और वालिद उनको पढ़ाते थे, और उस छोटी बच्ची को ये पाठ याद ना होता था।
एक दो बार छोड़ने की कोशिश की लेकिन वालिद ने भूल को दुरुस्त करवाकर वो सत्रें भी पढ़वा ली। फिर बड़ी सोच विचार के बाद ये हल निकाला कि कीर्तन सोहेला का पाठ करने से पहले मैं राजन को याद करके उसको अपने पास बुला लिया करूं ताकि वो किले की दीवारों से की तामीर से पहले ही किले के अंदर आ जाए। उस वक्त 10 बरस की थी। अब 40 बरस बाद सोचती हूं तो लगता है जिस हस्ती के लिए ये लगन थी वो बेकार नहीं गई। गिर्द हिफाजती किले बने भी हैं और टूटे भी, लेकिन उसका वजूद किसी ना किसी सूरत में हमेशा मेरे सामने रहा है। मेरे लिए गैर जिस्मी कुछ नहीं, हर शय का वजूद गोश्त पोश्त की तरह होता है, जिसको हाथ से छू सकती हूँ, जो मेरे जिस्म में से गुजर सकता है। छोटी उम्र में जब गुरु हरगोबिंद जी या गुरु गोबिंद सिंह का ख्वाब आता था, मैं उनके घोड़े को, बाज को या गले में पड़ी तलवार को हाथ से छू कर देखती थी, दूर से सजदा करके नहीं। ये वो वक्त था जब घर में तो नहीं लेकिन रसोई में नानी की हुकूमत हुआ करती थी। सबसे पहली बगावत मैंने उस हुकूमत में की थी। देखती थी बावर्ची खाने की एक पटछत्ती पर 3 गिलास बाकी बर्तनों से अलग थलग हमेशा एक कोने में पड़े रहते थे। ये ग्लास सिर्फ उस मौके पर जेरीन छत से उतारे जाते थे जब वालिद के मुसलमान दोस्त आते थे और उनको लस्सी चाय पिलाना होती, और उसके बाद मांझ धोकर फिर वहीं रख दिए जाते थे। तो उन 3 गिलासों के साथ मैं भी 4th ग्लास बन गई और हम चारों नानी के साथ लड़ पड़े। वो ग्लास भी बाकी बर्तनों से अलग नहीं रह सकते थे और मैंने भी जिद पकड़ ली कि मैं किसी दूसरे बर्तन में ना पानी पीऊंगी ना दूध चाय। नानी उन बर्तनों को अलग रख सकती थी लेकिन मुझको भूखा प्यासा नहीं रख सकती थी, इसलिए बात वालिद तक पहुंच गई। वालिद को इससे कबल मालूम नहीं था कि कोई ग्लास इस तरह अलहदा रखे जाते हैं। उनको पता चला तो मेरी बगावत कामयाब हो गई। फिर ना कोई बर्तन हिंदू रहा ना मुस्लिम। उस घड़ी ना मुझे मालूम था ना नानी को कि बड़ी होकर जिंदगी के कई साल जिसके मुंह को इश्क करूंगी वो उसी मजहब का होगा जिस मजहब के लिए घर के बर्तन भी अलहदा बना दिए जाते थे। जाखा वारिस शान, अजाखा वारिस शानू कितों कब्रां विचों बोल ते अज किताबे इश्क दा कोई अगला वरका फोल। एक रोई सी ती पंजाब दी तू लिख लिख मारे वैन, अज लखा तियां रोंदियां तेनू वारिस शाह नू कहन। वे दर्द मंदां दिया दर्दिया उठ तक अपना पंजाब, अज बेले लाशां विछियां ते लहू दी भरी चनाब। किसे ने पंजां पानियां विच दित्ती जहर रला ते उन्हां पानियां तरत नू दित्ता पानी ला। सरखेज़ ज़मीन दे लूलू फुटिया जहर
किट किट चढ़ियां लालियां फुट फुट चढ़िया खैर।